उस बूढ़े पुजारी के बार बार रुकने के लिए बोलने पर मिहिर भी अब उसे और ज्यादा मना नहीं कर पाता है और अपने मन में सोचने लगा, पता नहीं क्यों बाबा मुझे यहां पर एक दिन और रुकना चाहते हैं, लेकिन सच कहूं तो मेरा भी यहां अभी एक दिन और रुकने का मन है, तो फिर मैं रुक जाता हूं। मिहिर ने पुजारी बाबा की बात मानते हुए कहा, ठीक है बाबा, मैं आज का दिन और रात यहां पर रुक जाता हूं, लेकिन कल सुबह होते ही मुझे यहां से जाना होगा क्योंकि मेरा कहीं पहुंचना बहुत जरूरी है। बूढ़े पुजारी ने आराम से कहा, हां बिल्कुल ठीक है, कल मैं तुम्हें रुकने के लिए नहीं बोलूंगा। जाओ तुम यहां आसपास का इलाका देख लो और इधर उधर कहीं जाना हो तो छोटू को साथ लेकर चले जाना, उसे सारे रास्ते अच्छे से पता है। मिहिर वहां से बाहर की तरफ आते हुए बोला, ठीक है बाबा, मैं यहां आसपास घूम कर आता हूं। इतना बोलकर मिहिर वहां से चला जाता है और उसे बाहर मंदिर के आंगन में सफाई करता हुआ छोटू नजर आता है तो वो उसे आवाज देकर अपने पास बुला लेता है। बगीचे से निकलकर आंगन की तरफ आते हुए छोटू ने मिहिर को देखा। मिहिर के बुलाने पर छोटू ने उससे पूछा, क्या हुआ बड़े भाई, आप आगे जा रहे हैं क्या? लेकिन आपका बैग तो आपके पास है नहीं, उसमें आपका सारा जरूरी सामान है, क्या मैं आपके लिए वो ले आऊं? मिहिर ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं मेरा बैग लाने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं कहीं भी नहीं जा रहा, कम से कम आज तो नहीं। ये सुनकर वो लड़का एकदम से खुश होते हुए बोला, अरे वाह बड़े भाई, मतलब आप आज और हमारे साथ यहाँ पर रुकेंगे? सच में आपके साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे इधर उधर घूमने जाने को भी मिलता है, फिर पंडित जी मुझे ज्यादा रोकते टोकते भी नहीं है। छोटू इसलिए भी खुश है क्योंकि वहां उस प्राचीन शिव मंदिर के परिसर में उस बूढ़े पुजारी और उस छोटे लड़के के अलावा कोई भी नहीं रहता है, इसलिए मिहिर के वहां पर रुकने की बात सुनकर वो लड़का थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है, ये सोचकर कि एक दिन के लिए ही सही लेकिन उसे किसी और का साथ मिलेगा। छोटू के कंधे पर हाथ रखता हुआ मिहिर बोला, चलो यही मंदिर के आसपास थोड़ी दूर तक टहल कर आते हैं, तुम्हें सारे रास्ते पता है ना छोटू? छोटू मिहिर को याद दिलाता हुआ बोला, अरे हाँ बड़े भाई मुझे सारे रास्ते पता है, आपको याद नहीं है क्या, रात के वक्त भी मैं आपको तालाब तक ले गया था जड़ी बूटी ढूंढने के लिए और फिर हम दूसरे रास्ते से वापस आए थे, अरे मुझे सारे रास्ते अच्छी तरह से पता है। छोटू के साथ चलते हुए वहां से आगे बढ़कर मिहिर बाहर निकलता हुआ बोला, अरे हाँ मुझे याद है, लेकिन चलो मेरे पास बस आज का ही दिन है, वो भी अंधेरा होने तक, कल सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तुम मुझे पहाड़ी के दूसरी तरफ वाले गांव का रास्ता भी दिखा देना जिससे मुझे कल सुबह निकलने में आसानी हो। मिहिर की बात सुनकर उस छोटे लड़के ने कहा, पहाड़ी के दूसरी तरफ वाला गांव? उस तरफ तो मैं कभी गया नहीं, लेकिन आधा रास्ता जितना नजर आता है वो मुझे पता है और मैं आपको बता दूंगा, चलिए मेरे साथ। उसके बाद मिहिर उस लड़के के साथ मंदिर के परिसर से बाहर निकल जाता है और ऊंची नीची चट्टानों से भरे ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ते पर चलता हुआ उस पुराने शिव मंदिर से थोड़ा दूर निकल आता है। मिहिर उस पूरे दिन उस लड़के के साथ जाकर आसपास के सारे इलाके अच्छे से देखता है, लेकिन शाम होने से पहले वो मंदिर परिसर में वापस लौट आता है और पुराने शिव मंदिर के पीछे बने अपने कमरे में जाकर आराम करने लगता है। छोटू मिहिर के लिए उसका रात का खाना उसके कमरे में ही लेकर आता है और मिहिर खाना खाने के बाद थोड़ी देर वहां आसपास चलता है और फिर सो जाता है क्योंकि अगली सुबह उसे जल्दी उठकर आगे सफर के लिए निकलना है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही मिहिर की आंख खुल जाती है और वो हाथ मुंह धोकर कपड़े चेंज कर लेता है और वहां से निकलने की तैयारी करते हुए अपना बैग भी पैक कर लेता है। मिहिर अपने कमरे से बाहर निकलने ही वाला होता है कि तभी छोटू उसका नाश्ता लेकर उसके कमरे में आ जाता है। मिहिर ने छोटू को देखकर हैरानी से कहा, अरे छोटू तुम इतनी सुबह सुबह जाग गए? छोटू एकदम सीरियस होकर बोला, मैं तो रोज ही सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, नहीं तो बाबा गुस्सा करते हैं। मिहिर ने छोटू से पूछा, अच्छा लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? छोटू ने अपने हाथ में पकड़ी कटोरी आगे करते हुए कहा, बड़े भाई मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आया हूँ, बाबा ने मुझे बोला कि आपको ये देकर आऊं, नहीं तो आप बिना कुछ खाए ही यहाँ से चले जाएंगे। मिहिर ने थोड़ी हैरानी से कहा, बाबा को सब कैसे पता चल जाता है? मैं सच में बस निकलने वाला हूँ, लेकिन अब तुम यहाँ आ गए हो तो साथ में नाश्ता कर लेते हैं। छोटू निराश होते हुए बोला, मैं तो पहले ही नाश्ता कर चुका हूँ, ये आपके लिए है बड़े भाई, और आज क्या आप सच में यहाँ से चले जाएंगे? मिहिर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ छोटू जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मैं कहीं और जाने के लिए ही निकला हूँ, वो तो रास्ते में ऐसे हालात बन गए कि मुझे यहाँ पर रुकना पड़ा, लेकिन मैं अपना असली मकसद तो नहीं भूल सकता ना इन सब में। छोटू ने मासूमियत से पूछा,
क्या है आपका असली मकसद? मिहिर ने कहा, बस मुझे कहीं पहुंचना है और उसके लिए यहां से निकलना जरूरी है। बाकी सब जानने के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो। मिहिर ने छोटू से बात करते हुए अपना नाश्ता खत्म किया और फिर उसके साथ ही वहां से बाहर निकल आया। मिहिर के साथ अब उसका पूरा सामान है और वो पूरी तरह से पहाड़ चढ़ने उतरने के लिए अपना माउंटेन क्लाइंबिंग सूट पहनकर रेडी है। मिहिर अपने कमरे से बाहर आ गया और वहां से जाने से पहले उस प्राचीन शिव मंदिर के बूढ़े पुजारी बाबा से मिलता है। मिहिर को तैयार देखकर बूढ़े पुजारी ने कहा, अरे तुम तो इतनी जल्दी जाने के लिए तैयार भी हो गए? मिहिर ने कारण बताते हुए कहा, हाँ बाबा, क्योंकि मैं अब और देर नहीं कर सकता, मुझे वापस भी लौटना है यूनिवर्सिटी की छुट्टियां खत्म होने से पहले। बाबा ने मिहिर के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, ठीक है जाओ, मेरा और शिव जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारा जो भी मकसद है तुम उसमें सफल हो। तभी मिहिर अपनी जेब में हाथ डालता है और उसका हाथ किसी कागज के टुकड़े से लगता है। तब उसे याद आता है कि यह वही चेक है जो कल जाने से पहले देविका के अंकल ने उसे दिया था। मिहिर ने वो चेक अपनी जेब से बाहर निकाल लिया और कुछ सोचने लगा। फिर उस चेक को पुजारी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, शुक्रिया बाबा, और ये मेरी तरफ से ये छोटी सी भेंट। बस मैं चाहता हूं कि प्राचीन शिव मंदिर हमेशा यहां इन पहाड़ों पर स्थित रहे और इसकी हालत और खराब ना हो, इसे कुछ मरम्मत की जरूरत है तो बस। पुजारी जी ने मना करते हुए कहा, मैं इसका क्या करूंगा बेटा, और मुझे लगता है तुम्हें इसे अपने पास ही रखना चाहिए, ये तुम्हारे पैसे हैं। मिहिर ने जोर देकर कहा, नहीं नहीं नहीं, ये मेरे नहीं है, ये बस एक तरह से समझ लीजिए शिव जी के चरणों में भेंट चढ़ाने के लिए ही है, और अगर अच्छे काम में ये पैसे लगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। पुजारी जी ने मिहिर के हाथ से वो चेक लेते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम इतना बोल रहे हो तो मंदिर के लिए इसे स्वीकार कर लेता हूं। पुजारी ने जब वो चेक रख लिया तो मिहिर को बहुत खुशी हुई और वो सोचने लगा कि अब मंदिर की मरम्मत हो जाएगी और इन पैसों से उस बूढ़े पुजारी और छोटू को भी अपना रहन सहन अच्छा करने में बहुत मदद मिलेगी। मिहिर ने जाने से पहले कहा, अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूं। तभी छोटू ने एकदम से कहा, मैं भी आपके साथ ही चलूंगा बड़े भाई। मिहिर ने छोटू को मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम मेरे साथ नहीं आ सकते, फिर पुजारी बाबा यहां पर अकेले हो जाएंगे। छोटू दोबारा जिद भरे स्वर में बोला, नहीं मुझे आपके साथ चलना है, मुझे भी अपने साथ आने दीजिए ना। मिहिर ने छोटू को समझाने की एक और कोशिश करते हुए कहा, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो छोटू, मैं तुम्हें अपने साथ उस गांव तक नहीं ले जा सकता, वहां मेरे रहने का कोई ठिकाना नहीं है। बूढ़े पुजारी ने एकदम आराम से कहा, ठीक है, अगर छोटू इतनी जिद कर रहा है तो उसे तुम कुछ दूर तक अपने साथ ले जाओ। छोटू मजबूती से बोला, कुछ दूर तक नहीं, मैं पूरे रास्ते ही बड़े भाई के साथ जाऊंगा। बूढ़े पुजारी ने मिहिर को आंखों से कुछ इशारा किया और मिहिर उनका प्लान समझ गया और उसने अब कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि छोटू दो दिन में ही मिहिर से बहुत ज्यादा घुल मिल गया है, इसलिए जाने की जिद कर रहा है। मिहिर ने भी बात समझते हुए कहा, ठीक है चलो मेरे साथ, अब मुझे देर हो रही है। इसके बाद मिहिर छोटू के साथ मंदिर परिसर से बाहर निकल गया। कुछ ही देर में एक साथ चलते हुए वो दोनों मंदिर से कुछ 100 मीटर की दूरी पर आ गए। तभी छोटू चलते चलते अब तक थक गया, क्योंकि उसके पास मिहिर की तरह पहाड़ चढ़ने वाले कंफर्टेबल जूते, सूट और बाकी जरूरत का कोई भी सामान नहीं है। छोटू एक जगह रुककर अपने दोनों घुटनों पर हाथ रखकर झुकता हुआ बोला, ये इस तरफ का रास्ता तो बहुत ज्यादा मुश्किल है बड़े भाई, मुझे नहीं लगता मैं और ज्यादा आगे चल पाऊंगा। मिहिर ने मुस्कुराकर छोटू की तरफ देखते हुए कहा, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा था कि मेरे साथ आने की जिद मत करो, अभी तो रास्ता बहुत लंबा है और तुम्हारी हालत तो अभी से इतनी खराब है। छोटू दोबारा सीधा खड़े होते हुए बोला, नहीं नहीं मेरी हालत ठीक है, मैं चलूंगा, वो तो बस मुझे थोड़ी देर आराम की जरूरत है। मिहिर ने मना करते हुए कहा, मेरे पास आराम करने का वक्त नहीं है, मैं अभी यहां पर नहीं रुक सकता, क्योंकि अगर यहां पर रुक गया तो फिर मुझे गांव पहुंचने से पहले ही रात हो जाएगी। छोटू चलने के लिए तैयार होते हुए बोला, ठीक है फिर हम नहीं रुकेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं ठीक हूं। मिहिर छोटू का हाथ पकड़कर उसे वहीं रोकते हुए बोला, तुम जिद क्यों कर रहे हो, तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि तुम ये रास्ता नहीं चल पाओगे, ये बहुत कठिन है और तुम्हारे पास ये सारी जरूरी चीजें भी नहीं है। छोटू ने निराश होते हुए कहा, तो फिर आप मुझे अपने साथ यहां तक लेकर क्यों आए? मिहिर उसके चेहरे की तरफ देखकर बोला, तुम्हें सच्चाई दिखाने के लिए,
जिससे कि तुम्हें पता चल जाए कि सब कुछ इतना आसान नहीं होता। मुझे गांव पहुंचना है, इसलिए मैं यहां पर पूरी तैयारी के साथ आया हूं, और तुम ऐसे ही बिना किसी मकसद और तैयारी के मेरे साथ वहां जाने के लिए तैयार हो गए। छोटू अपना सिर नीचे झुकाकर बोला, ठीक है, मैं समझ गया जो आप मुझे समझाना चाहते हैं, लेकिन अब मैं क्या करूं? मिहिर ने वापस जाने वाले रास्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो अभी हम शिव मंदिर से ज्यादा दूर नहीं आए हैं, मंदिर का ऊपरी हिस्सा अभी भी नजर आ रहा है, तो तुम वापस लौट जाओ, तुम्हारे लिए अभी यही अच्छा होगा, और जब तुम बड़े हो जाना तब पूरी तैयारी के साथ कहीं भी सफर करना, लेकिन इस तरह उत्साहित होकर नहीं। छोटू ने मिहिर की फिक्र करते हुए कहा, ठीक है बड़े भाई, लेकिन आप अपना ध्यान रखिएगा। मिहिर ने छोटू के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मैं अपना ध्यान रखूंगा, अब तुम जाओ और पुजारी जी के साथ ही रहना। छोटू भी अब मुस्कुरा कर बोला, हाँ मैं वहां पर ही मिलूंगा आपको हमेशा, पता नहीं दोबारा आपसे कब मिल पाऊंगा। मिहिर ने छोटू को तसल्ली देते हुए कहा, तुम वहीं पर मेरा इंतजार करना, मैं जब सारी चीजों से फ्री हो जाऊंगा तो तुमसे और पंडित जी से मिलने जरूर वापस आऊंगा। मिहिर की बात मानते हुए छोटू ने हां में अपना सिर हिलाया और फिर वहां से वापस चला गया। मिहिर ने मुस्कुराकर छोटू को वहां से जाते हुए नोटिस किया और फिर मुस्कुराते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गया। कहां जा रहा है मिहिर और क्या है उसका असली मकसद, ये जानने के लिए सुनते रहिए रईस ज्यादा, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।